बाथरूम में थोड़ी बदबू है लेकिन इस्तेमाल के काबिल है। आप अंदर जाइए अम्मी। चलो चलो जल्दी चलो। बाबा क्या हुआ, कहां जा रहे हैं? इस्तांबुल। क्या कोई जरूरी काम? जल्दी मैं वो वापस आके बताऊंगा। गाड़ी तैयार है भाई। ठीक है। अच्छा एक काम करो, हमारे इस्तांबुल पहुंचने से पहले अपने आदमी को तैयार रहने का कह दो। ठीक है भाई, मैं फिक्र अभी टाइम नहीं है, मैं वापस आके खुद बता दूंगा। बस चलने की तैयारी करो भाई। मैं कह रहा हूँ टाइम नहीं है, जल्दी चलो। तो बहुत पागलों की तरह इस लड़की से प्यार करने लगा है, मुझे बहुत डर लग रहा है, अब क्या होगा? मैं भी डरी हुई हूँ बेटा, लेकिन जो मोहब्बत में गिरफ्तार हो उसका रिहा होना मुश्किल है। और सईद के मामले में तो बेटा ज्यादा मुश्किल है। खुशामदीद सर। शुक्रिया। इस्तांबुल से 20 किलोमीटर दूर है। किसी रेस्टोरेंट पर गाड़ी रुकवा। इब्राहिम मुझे बाथरूम जाना है। बस हम पहुंचने ही वाले हैं, थोड़ा सा और सबर कर लो बस। पिछले 2 घंटे से ही तुम यही बात कहे जा रहे हो इब्राहिम, मुझसे सबर नहीं हो रहा। मैं कह रही हूँ गाड़ी रोको फौरन। ठीक है रोकता हूँ मैं। ठीक है
जल्दी चलो इब्राहिम, बाथरूम जाना है। तो जाओ ना, अंदर बाथरूम है ना। बताने की जरूरत नहीं है, मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ सब। इस औरत के मसले खत्म नहीं होते। हम चेरुवा के बस अड्डे पर रुके हुए हैं। तेज चलो और गाड़ी को चेरुवा की तरफ ले चलो। नमाज का वक्त हो गया, जब तक वो लोग वापस नहीं आ जाते तब तक मैं नमाज पढ़ लेता हूँ। मैं भी चलता हूँ आपके साथ। रुकिए बाबा। बेटा ये रख लो, ये तुम्हारे दादा के लिए है। चलिए दादा, चलिए चलिए। मैं चला जाऊंगा, तुम यही अपनी माँ के पास रुको। ठीक है, मैं यही हूं। मैं नियत करता हूं चार रकात फर्ज नमाज़े ज़ोहर अल्लाह अकबर।
जल्दी चलो जल्दी। दादा आंखें खोले अपनी, दादा दादा दादा। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा दादा, दादा 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 प्लीज उठ जाए। मैं आपसे इल्तिजा करती हूँ पापा, पापा आंखें खोले, पापा हमें छोड़ के मत जाइएगा। दादा दादा खुदा के लिए अपनी आंखें खोले, कुछ नहीं होने दूंगा मैं आपको, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, मैं आपको हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ दादा, आप ठीक हो जाएंगे दादा, वादा करता हूँ। दादा मेरे दादा, दादा आंखें खोले अपनी खुदा के लिए, आंखें खोले दादा, दादा 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 मैं आपको हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ, ठीक हो जाएंगे, कुछ नहीं होगा आपको, मेरी जान दादा। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र। फिक्र ना करो, दुखी मत हो, फातिमा के पास जा रहा हूँ। सईद बेटा सुन रहा हूं दादा, ये खानदान अब तुम्हारे हवाले। सबका ख्याल रखना। Thank you.
सब तुम्हारा कसूर है, तुम्हारी वजह से मर गया दादा। रोहित, काश अगर तुम यहाँ ना आई होती तो हमारे दादा जिंदा होते अभी। रोहिता, नहीं करो ये। भाई, दादा को देखो। रोहिता, चले गए, छोड़ गए। लेकिन मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि हमारे साथ क्या होने वाला है। गलती क्यों? हाँ, गलती क्यों? बस करो, सुनो तुमने। सोरा, सोरा, सईद, सोरा, सईद, सोरा, करो करो करो, फॉलो करो उसको। वो वहां है, सोरा। मुझसे भाग क्यों रही हो? तुमने कुछ भी नहीं किया, इसमें तुम्हारा नहीं है कसूर। सही, देखो रोहिदा हक पर है, तुम्हारे दादा मेरी वजह से गए हैं। जाने दो मुझे, खुदा के लिए जाने मत दो। ऐसा ऐसा मत कहो, चलो आ जाओ जल्दी। सही, तुम रुको, ये इसे हमारे हवाले करो, नीचे करो इसे। तुम्हें क्या लग रहा है मैं मजाक कर रहा हूं तुमसे? हाथ ऊपर करो। हुक्म दोगे मुझे, जल्द से मार दूंगा मैं तुम्हें, जल्द से। चलो यहां से। सईद, मैंने कहा चलो यहां से। उठाओ इसे, उठाओ। बच नहीं सकते मुझसे, मेरे हाथ से ही तुम्हारी मौत। चलो इस तरफ। चलाऊंगा इसे।
जल्दी जाओ गाड़ी लेकर आओ। इस शहर को तुम्हारी कब्र बना दूंगा। क्यों कर रहे हो मदद हमारी? इस बारे में बाद में बात करेंगे। इस वक्त तुम्हें पुलिस के पास जाना चाहिए। पुलिस के पास नहीं, पीछा कर रहे होंगे वो लोग हमारा भी। फिर हम कहां जाएंगे? दादा को पहले दफनाएंगे। कैसे, कहां दफनाओगे इन्हें? इनको गोली लगी है, इनका कत्ल हुआ है। कत्ल का केस है, पुलिस के पास जाना चाहिए। क्या तुम अपने किसी जानने वाले के पास ले जा सकते हो हमें? मैं बता रहा हूं तुम्हें, ये गैर कानूनी है, कोई जनाजा नहीं पढ़ाएगा। किसी को जानते हो या नहीं ये बताओ। चलो, जानता हूं एक बंदे को। ठीक है, रास्ता समझाओ मुझे। यहां से सीधा चलो, उसके बाद बाएं हाथ पर मोड़ लेना। आखिर तुमने मुझसे कैसे छुपाया ये सब? कैसे? जवाब दो मुझे। भाई, जब्बार भाई तो बताने ही वाले थे, मगर जाकिर भाई ने उन्हें रोक दिया। जाकिर भाई वो अब तक इस्तांबुल में ही है। मेरे सब्र को आजमा रहे हैं ये लोग। उठाओ, उठाओ। या मेरे अल्लाह, रहम करे। अब इसका अपने बेटे से भी इख्तलाफ होने वाला है। जैसे पहले तो बड़े खुश थे, क्या झूठ है क्या ये? वो हमेशा से लड़ते रहते नहीं है? मत उठाना। मगर भाई, मुझे कुछ नहीं सुनना चाहता। भाई, भाई आप ठीक तो हैं? छोड़ो मुझे, छोड़ो। जब शेर जागता है तो गीदड़ की हुक्मरानी खत्म हो जाती है, ये याद रखना। हम इस्तांबुल में भी आए हैं और हम यहां पर किसी को भी नहीं जानते। अल्लाह का शुक्र है कि इन्होंने हमारा साथ दिया और हमें आपके पास लिया है। सिर्फ आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। अल्लाह हमारी मदद करे। मेरे बाबा को कफन और नमाज शरह से दोनों नसीब हो या रब। ये हमारे साथ कैसे हो सकता है कि उन्हें बगैर जनाजे के दफन होना था? हौसला रखो तुम। मैं बेबस हूँ, मदद नहीं कर सकता। आपको पुलिस के पास जाना चाहिए। मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी, उन जालिमों ने हमारा घर जला दिया और हमें बेआसरा कर दिया। किसी ने भी साथ नहीं दिया, हर कोई खामोशी से तमाशा देखता रहा। पुलिस के पास भी जाने से क्या फायदा होगा? अगर कोई इस मुद्दे पर अपना मुंह नहीं खोलेगा, छोड़ देती है पुलिस उनको हर दफा। कोई भी गवाही नहीं देता उन जालिमों के खिलाफ। देखिए, मेरे दादा दीनदार थे बहुत, और बहुत ही रहमदिल इंसान थे। इन्हें कफन से महरूम मत करें खुदा के लिए।
दुआओं के साथ इन्हें दफनाने का मौका दीजिए। सोचिए मत, आखिरी रसूमात अदा कर दीजिए खुदा के लिए। जनाजा अंदर ले जाओ। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। इस हाल तक पहुंचा दिया दादा, लेकिन मैं जोरा को पीछे नहीं छोड़ सकता था। बिल्कुल तनाव और मायूस हो गया। मैं तो आपको दफनाने के काबिल भी नहीं हूं, माफ कर दीजिए मुझे। लेकिन दादा, मैं आपसे वादा करता हूं, मैं आपकी मौत का इंतकाम लूंगा दादा। आपकी खूबसूरत मुस्कुराहट और आपके आखिरी लम्हात भूल नहीं सकता। माफ कर दे मुझे दादा। माफ कर देना दादा। नफरत न कीजिएगा, मैं मुझे माफ कर दीजिएगा। मैं कसूरवार हूं इसका। मैं जोरा को तन्हा नहीं छोड़ सकता था, वो बिल्कुल अकेली थी। मैं यारों मददगार थी अम्मी, बताए मैं क्या करता। मुझे माफ कर दो सईद। सईद बेटा, तुम्हारे दादा मुस्तफा बहुत अजीम थे। वो बेशक खिलाफ थे ज़ोरा के, वो जानते थे कि उस पर आफत आएगी, लेकिन फिर भी वो उसकी ढाल बनकर खड़े हो गए। और फिर अपनी जान गंवाकर तुम दोनों को बचा लिया। खुदा जन्नत नसीब करे इन्हें। मेरे प्यारे बेटे, सईद मेरे बेटे, प्यारे बेटे, हम में से वही इंसान हक पर है जो अपनी जमीर की आवाज सुनता है। हिम्मत करें, हिम्मत करें। ज्यादा दुख और अफसोस मत करो, कहो तो तुम्हें भी उसी के पास भेज देता हूँ। तुम्हारा खेल ये लोग बहुत खतरनाक हैं, इनसे लड़ना आसान नहीं होगा। जोरा का कुछ पता चला तुम्हें? अभी नहीं, जोरा उसी लड़के के साथ इस्तांबुल में है। खोलो इसे, तुमने जोरा को इसी दरवाजे से बाहर निकाला था, अब यहाँ से गुजरने की बारी तुम्हारी है। देखते हैं तुम्हारी जिंदगी कितनी बाकी है। ओ रब्बा कोई